الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في نفس السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا व इनजा आलियान जो रोज़ा सदाकल आदवीम रबरा सदरी वसली अमरी वाहल़द्लिसानफ़ाकली आई वुड रिकमेंड कि इनशा थोड़ा सा करीब हो जाए दिस एरिया यू कैन लीव इट लेकिन थोड़ा सा ज़रा करीब हो जाए ये एक्चुअली मजलिस के आदाबों में से है बस ये है कि इनशा वह व्यू ब्लॉक ना हो बाकी का जिनको ज़्यादा सर्दी लग रही है वो वो माशा कुछ बही हैं वहाँ पर बैठे हैं ठीक हाँ ये है कि ये ना ना फिर वो सुनते सुनते आप सो के ऊंग लेते उसके साथ ही चिमट जाए तो थोड़ा वो भी ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ठीक हाँ बस इनको तो खड़ा करते हैं वैसे ऑल राइट अच्छा चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं राइट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असहबुल कहफ़ Kahf जो है सूर कहफ आप जानते हैं मारूफ़ सूर है और हमें नबी करीम सल्ला वम ने इन्फेसिस डाला है कि इस सूरा को हमें हर जुमा जो है इसको पढ़ना चाहिए इसकी रेसिटेशन करनी चाहिए uh, और आई strongly रिकमेंड कि इसको पढ़ा करें आप ठीक है और uh, with ट्रांसलेशन at least यू should नो दैट what आर यू रीडिंग एक्चुअली और द फर्स्ट द फर्स्ट स्टोरी काफ़ी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर जो पहली स्टोरी जो है जो डिस्कस की गई है दैट इज़ द पीपल ऑफ़ द केफ दम सेल्फ असहाबाकह यानी पीपल ऑफ़ द केव गार व वाले इट इज़ वेरी प्रोफाउंड स्पेशली देखें जितनी भी स्टोरीज आप कुरान मजीद में देखते हैं ना दैट इज़ वेरी मच रेलीवेंट फॉर अस सब के लिए तमाम इंसानों के लिए बहुत रेलिवेंट हैं लेकिन पर्टिकुलरली वाई आई आई एम पुटिंग एम्फोसिस ऑन दिस स्टोरी बिकॉज अल्लाह मेंशंस मेन्शंस यानी फता कहते हैं जवान जवान नौजवान जवान को कहते हैं अब देखें अल्लाह ताला जब भी कोई स्टोरी बता रहे होते हैं ना ही डजन गो इनटू यू नो वेरी यू नो वेरी मच डिटेल्स उस डिटेल्स की तरफ नहीं जाते इतना कि क्या हुआ था कौन सा शहर था बंदे का नाम क्या था उसकी फैमिली मेंबर्स कितने थे वगैरह वगैरह सरसरी सी बात होती है जस्ट टू गेट द पॉइंट अक्रॉस आपको यानी आपको समझ में आ गई इसका क्या जो है मॉरल लेसन क्या था दैट इज़ वॉट वी हैव टू कॉन्सनट्रेट ऑन कि यार मेरे लिए लेसन क्या है मेरे लिए इसमें समझने की बात क्या है लेकिन आप मुझे ये बताएं अल्लाह व तआला कोई भी बात कहें या कोई भी बात करें क्या वो बातिल होगी यानी विदाउट एनी पर्पज़ होगी क्या अल्लाह सुबहाना तआला से कुछ एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं यानी की जा सकती हैं ऐसी कि अल्लाह वजह कोई काम कर ले <laughs> नहीं अल्लाह तला फरमाते हैं वमा खलकना मैंने आसमानों को जमीनों को हक के साथ पैदा किया है यानी देर इज अ पर्पज बिहाइंडी थे थिंग विच अल्लाह डज हैज अ पर्पज इन दैट लेकिन यह है कि जरूरी नहीं है आपको समझ में आए वट इज द लॉजिक बिहाइंड इट आपका समझना या आपको हर चीज का पता चलना इस नॉट यू नो नेसेसरी और अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है कि वो आपको हर चीज का लॉजिक समझाते रहे ठीक है यू एंड आई वी हैव टू ओबे दैट सेट हमारा तर्ज अमल पता क्या होना चाहिए समय ऐना वक्ना इन दो लफ्जों में पूरे जो है समराइज कर दिया गया है हमारा काम है सुनना और उस पर इताद करना उस पर जो है हमें यस करना कि ठीक है या अल्लाह आपने ही हुक्म दे दिया है नबी करीम वसल्लम का हुक्म सामने आ गया है मेरा चाहे दिल कर रहा है मेरा दिल नहीं कर रहा आई हैव टू ओबे दैट और जो गुनागार होते हैं बुरे लोग होते हैं मुजरिम होते हैं फासिक होते हैं बनी इसराइल कहती थी यानी सुन तो लिया हमने समय ना व आसईना हमने सुन तो लिया लेकिन हम आपकी बात मानेंगे नहीं मनमानी हम अपनी करेंगे ना यू एन आई यू नो वी हैव टू सी कि हम किस कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं और सिर्फ ये कहने से समय आना व अपाना सिर्फ इज इट ओनली द लिप सर्विस कि सिर्फ ये कहने से ठीक है यार जो अल्लाह ताला कहेंगे मैं करूँगा बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिकली डूइंग इट तो आप अपने अमल से बता रहे हैं समय आना व आसाइना इट इज सो यू नो क्लियर इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो यह है कि ये स्टोरी uh, यहां पर अल्लाह त पर्टिकुलरली नौजवानों का जिक्र किया है तो ये आपकी और मेरी बात हो रही है आप ठीक है ये ऐसे नहीं कि आप सोरी सुनते सुनते यू नो यू आर नॉट आप बिल्कुल कॉन्सनट्रेट ही नहीं कर रहे ठीक है दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज़ इन द कुरान यू नो व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट नो दिस इज़ फॉर यू एंड मी आप अगर समझते हैं कि यार यू नो आप कहते ना कि हम जवान हैं हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह ये ये प्रॉब्लम्स हैं और वल्ला आई एम टेलिंग यू आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना यूथ की जब बात की जाए ना यूथ इज यू नो इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स यूथ इज कंसिडर्ड यू नो एज प्रॉब्लमैटिक हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है हमें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम है हमारे पास कोई गोल सेटिंग नहीं है हमें कोई डायरेक्शन नहीं है वी आर यू नो ब्लाइंडेड हम बस जाते जा रहे हैं आई नो वी आर गोइंग विद द फ्लो जहाँ पे हमें वो क्या कहते हैं जो स्टाइल है जो कल्चर चल रहा है जो यू नो ट्रेंड चल रहा है हम उसके पीछे पीछे जा जाते जा रहे हैं हमारी कोई अपनी इंडिविजुअल हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि यार व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ वे डू आई वांट टू गो ऐसा ही है मोस्टली आप देखें आप लड़कों से बात करें आपस में अपने दोस्तों को आप जब मिलते हैं कोई डायरेक्शन ही नहीं है वेन यू आज दम कि भाई जान तो आपने कॉलेज में पढ़े हो स्कूल में पढ़े हो वट नेक्स्ट आपने क्या करना है मूमन जवाब आपको ही मिलेगा भी सोचा नहीं है ऐसे ही है कब सोचना है आपने आपकी लाइफ के बारे में आपने सोचना है कब सोचना है जब पचास साल के हो जाएंगे अल्लाह तला जब जिंदगी देंगे अगर जिंदगी नहीं है तो आई मीन I mean, क्या आप कर रहे हैं क्या हम हमारे में और हैवानात में फ़र्क होना चाहिए ना अल्लाह तला ने हमें शोर दिया हमें माइंड दिए इंटलेक्ट दिए वी हैव टू थिंक तो ये खासकर जो नौजवानों का आज हाल है ना यहाँ पे हमें एक आ, एक आप ये कह लें कि बेंच सेट कर दिया गया है अगर नौजवान अपनी जवानी में अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है ना, ही कैन चेंज द वर्ल्ड जवान नौजवान प्रॉब्लमेटिक नहीं होता नौजवान लीडर होता है सोसाइटी का सिर्फ सोसाइटी का ही नहीं सिर्फ मुल्क का ही नहीं पूरी दुनिया का लीडर होता है लेकिन यू जस्ट हैव टू हैव अ राइट डायरेक्शन एंड द स्टोरी स्टार्ट्स। ये स्टोरी है सलाम के बाद के कुछ ज़माने की आ, उस आ, होता यह कि एक बादशाह था आहिस्ता आहस्ता सोसाइटी में काफ़ी यह है कि खुराफात और शिरप वगैरह जो है बुत परस्ती काफ़ी आम हो गई थी दे यूज़ टू वर्शिप आइडल्स और बादशाह बहुत ही वॉज़ अ टायरेंट कोई अगर जो वर्शिप नहीं करता था बुतों की वग़ैरह वगैरह तो वो उनको सो मच सो ही यूज़ टू किल नो दो पीपल और जो भी उस सिटी में एंटर होना चाहता था ना ही हैड पुट एन आइडल देयर कहता था कि इसको पहले सजदा करो इसकी इबादत करो देन यू कैन एंटर यानी यहाँ तक हालात बुरे थे तो उसके जो मिनिस्टर्स थे यानी मिनिस्टर्स थे ना उसके आ, जो उसके साथ जो भी है मामला करते थे उनके जो बच्चे थे नौजवान जो लड़के थे उनकी स्टोरी है अब देखें आ, उन लड़कों को अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आ, लड़का अपनी जिंदगी गुजार रहा है और लविशली गुजार रहा है ही हैज़ एवरीथिंग बाप के पास पैसे हैं घर बार है गाड़ी है एवरी थिंग ही विशेज फॉर यू नो ही हैज इट ठीक है ही इज यू नो एज यू नो ही कुड डू वो अपने मैक्सिमम अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है लेकिन इन लड़कों ने ना ये गवारा ने किया कि नो वी वी जस्ट डोंट वांट टू गो विद द फ्लो नहीं दे थॉट उन्होंने जो है ना उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है अपने दिमाग को वो इस्तेमाल में लेके आए थे दे स्टार्टेड थिंकिंग अच्छा हुआ क्या अल्लाह ताला गवाही देते हैं इस चीज़ की कहते हैं नखन नकुस अलैका नबाअहुम बिलहक मैं आपको उनकी स्टोरी हक के साथ बताता हूँ वो कौन थे इन फितयतुन आमनू मनु वो यकीनन वो कुछ नौजवान थे जो ईमान ले के आए अपने रब पे अच्छा देखिए सिंपली मैंने आपके सामने ट्रांसलेट कर दिया यार ये तो बहुत से जनरल स्टेटमेंट है लेकिन थोड़ा सा जरा आप गौर करें उनके ईमान की अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं हमारे ईमान की वाला ही एम टेलिंग यू कोई गारंटी नहीं है हम जितना मर्जी अगर मेरा नाम अब्दुल्ला है अब्दुल रहमान है मोहम्मद है नाम रख लेने से बंदा मुसलमान नहीं हो जाता ठीक है लिगैलिटी में हो जाता है पासपोर्ट पे आपका नाम आ जाएगा कि जी इसका ऑफिशियल रिलीजन क्या है इस्लाम लेकिन अंदर से मुसलमान है कि नहीं वो बंदा वो अब्दुल्ला है कि अब्दु है या अपने ख्वाहिशात का जो है वो बंदा है तो यहां पे अल्लाह अच्छा देखें सिंपल स्टेटमेंट भी नहीं है इन नाहत यकीनन वो कुछ नौजवान थे ईमान लेके आए अपने रब पे एंड देन व्हाट हैपेंड उ माशा so वो ईमान लेके आए दीज बॉयज दे टुक द फर्स्ट स्टेप और हमें नरेशन बताती हैं कि उनमें से कुछ टीन एजर्स थे और यू नो दे वर लेस देन थर्टीज हमारी उम्रों के थे अल्लाह यानी ईमान लेके आए दे टुक द फर्स्ट स्टेप हिदायत इतनी चीप नहीं है कि आपको बैठे बैठे आपको हिदायत मिल जाए नहीं यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक सर्टन डिसीजन अपनी लाइफ में करना क्या वे वॉन्ट टू गो और फिर अल्लाह तला की मदद भी आती है अल्लाह फरमाते वजिद ना हम हुदा हमने उनको हिदायत में ज्यादा कर दिया सुबह अल्लाह तला की मदद आती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसकी कंडीशन हैं आप वो कंडीशन को फुलफिल करेंगे देखें आपको लग की मदद आ जाएगी फरमाते हैं, तुम मुझे याद, करो, मैं याद रखूंगा हम हुदा अच्छा जी फिर अल्लाह फरमाते हैं फकालू रब रब अर्द अमूमन हमारे माइंड में ये भी बड़ा शैतान प्ले करता है डालता है कि देखो यार तुम अभी छोटे हो तुम्हारी उम्र ही क्या है अठारह बीस साल पच्चीस साल तीस साल तुम तुम कैसे बड़ों से बात कर सकते हो खुम खुला यू नो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ करेज तुम कैसे बात करोगे वैसे ही हम लोग जो है जब दिल में चोर होता है ना वैसे ही हम किसी के सामने बात करते ही नहीं है डर डर के बात कर रहे होते हैं नाउ इमेजिन द दिनैरियो बादशाह बैठा है जो कि नहाय ही टायरेंट है बहुत ही ालिम बादशाह है उसके मिनिस्टर्स बैठे हैं यानी इन लड़कों के बाप सारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं मजलिस जो है मजमा भरा हुआ है एंड दीज बॉयज दे कम इन टू दैट गैदरिंग अंदर आते हैं चेक करें आते हैं कहते हैं फकालु रब्बुना रब समावाति वल अर्द तुम कहते हो कि हमारा ये जो बुत जो तुमने रखे हुए ये हमारा रब है नहीं ये तो अपना खुद ये ना खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं ना खा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं ना सुन सकते हैं हाउ डू यू से हमारा ये रब, रब हो ही नहीं सकता ऐसा क्या मतलब है दे यू नो दे स्टार्टेड थिंकिंग उन्होंने सोचा कि यार देखें हम अमूमन अपनी जिंदगी में बिना हम बहुत सारे काम ऐसे विदाउट इवन थिंकिंग हम वो कर रहे होते हैं वी वी आर जस्ट डूइंग इट वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो अब आप मुझे बताएं इसके लिए करज नहीं चाहिए कि भरे मजमे में बादशाह सामने बैठा है और उनको पता है कि यार इसने एक हुक्म देना है और इसने हमें या तो जेल में डाल देना है या हमें इसने जान से मरवा देना है पूरी आप देखें पूरी जो उस मुल्क का जो आप ये कह लें कि अथॉरिटी उसको चैलेंज कर रहे हैं रब ना रब समावा अर्ध हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीनों का रब है लन इलाहन। आप देखें ये नहीं है। थोड़ी वो चीजें ना आप जरा कैच करने की कोशिश करें में जो होती है ना नहीं नफी के लिए ला यूज होता है ला इट मीनस नो नहीं एक इंफोसिस के लिए एक तो लम यूज होता है और लाम जबर नून लन ये भी होता है ये भी इसमें इंफेसिस होता है तो यहां पर उन्होंने नॉर्मल निगेशन नहीं की कहते हैं हम हरगिज अल्लाह तला के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे आप उनका वो वो करे चेक करें यार आप जब अल्लाह तला का खौफ दिल में आ जाता है ना फिर बंदा किसी से डरता नहीं है चाहे बड़े से बड़ा बंदा आपके सामने आ जाए तब भी आप हक की बात ही करेंगे हाँ जब दिल में चोर हो दिल में खटका हो खुद ही हम अगर हमारे हालात ठीक नहीं है फिर हम लोग जो है डगमगाएंगे कहते हैं हम हरगिज़ जो है किसी को इलाह नहीं बनाएंगे अल्लाह के तलावा लक़द कुल् न खुदा की कसम अगर हमने ऐसा किया तो हम गुमराही में हम भटके हुए दिस वॉज देर स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से पहले अल्लाह क्या कहते हैं जब ये खड़े हुए ना यानी खड़े हुए और बात करने लग गए अल्लाह तला फरमाते हैं वारा बख ना आला हमने इनके दिलों को और मजबूत कर दिया सुबहान अल्लाह इससे पहले भी हमने देखा अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ईमान लेके आए हमने हिदायत में उनको ज्यादा कर दिया यहां पे वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खड़े हुए यानी दे ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ अल्लाह ताला ने उनको करेज दिया उनके दिलों को मजबूत किया और दे सेड व्हाट दे हैड टू से स्टेप तो लें हम कब तक तो खामोश रहेंगे हम कब तक खामोश रहे मुझे बताएं देखिए कितनी ज़बरदस्त हदीस है नबी करीम अलैहि वसल्लम की इधारा को मुनकरन फल युई रूहू बदी कि अगर तुम में से कोई शख्स कोई बुराई देखे ना तो कोशिश करे अपने हाथ से उसको रोके आप अपने घरों में तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो छोटे बहन भाई हैं आपकी मदर हैं आपके फादर हैं कम से कम वहां पे तो आप कुछ ना कुछ अथॉरिटी दिखाते हैं ना अपने कामों के लिए आप बड़े जो है बहाने मारते हैं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए और आप हर किस्म का जो है वो आ, काम कर लेते हैं यहां पे बताया गया इधार को मुनकरन कोई भी अच्छा मुनकरन कोई भी बुराई ये नहीं कि सिर्फ शिरक जो कर रहा है आप उसको रोकेंगे नहीं तुमने कोई भी बुराई देखी है जस्ट ट्राई टू स्टॉप इट विद योर हैंड फम तस्त फानी अगर हाथ से रोकने का जो है अभी पावर नहीं है हालात वैसे नहीं है जस्ट ट्राई टू स्टॉप इट विद योर टंग ये तो आप कह सकते हो कि यार मेरे भाई जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे और अच्छे तरीके से ये नहीं वो क्या कर रहे हो आपने रिपेल नहीं करना दूसरे को अपने से दूर नहीं करना उदू अः सबील और अब भी का बिल हमत के साथ बुलाना है जैसे आप चाहते हैं ना कि लोग आपके साथ बिहेव करें आपको अच्छे तरीके से समझें आप भी वैसे ही करें इन रिटर्न ठीक है अगर इतनी भी इससे नहीं है फिल्म तस्ता फ़लबी अगर इतनी भी ताकत नहीं है हालात इतने ही खराब हैं आप ना हाथ से रोक सकते हैं ना मुंह से कुछ कह सकते हैं कम से कम दिल में तो बुरा जानो कि ये जो भी हो रहा ठीक नहीं हो रहा गलत हो रहा है एंड अनदर न्यूज इज कमिंग नबी करीम अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजाल अब ईमान अब आफ वईफ कहते हैं कमज़ोर को और ये यहफ़ की नेक्स्ट कैटेगरी है यानी अपर कैटेगरी है ये सबसे कम तर दर्जे का ईमान है अगर आप दिल में बुरा जानते हैं इसका मतलब क्या है इसके बाद कोई ईमान नहीं बचता अगर आपको दिल में भी बुरा नहीं लग रहा नो ईमान ये कुछ टेस्ट हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग मैं कहां पे खड़ा हूं मेरी यानी मेरे दिल की क्या कंडीशन है हमें सुबह अल्लाह दिल में बुरा नहीं लग रहा होता ऑन ऑन दी अदर हैंड हम खुद बढ़ चढ़ के उस काम में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कहां से देखें मुझे बताएं ना यार हमारी प्रॉब्लम्स कहां से दूर होंगी आप मुझे बताएं किसको हम धोखा दे रहे हैं किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं यकीन करें हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं इसलिए हमारी जिंदगी में वो सुकून वो चैन वो चीज़ें जो है नहीं आ रही ट्राई टू चेंज योर सेल्फ अच्छा जी फिर जो है बादशाह करता क्या है वो सुन लेता है अब डेफिनेटली वो मिनिस्टर्स के बच्चे हैं उसने एकदम जो है वो एक्शन नहीं लिया होगा उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ थोड़े से दिन हैं एक दो दिन हैं सोच लो ठीक हो जाओ अदरवाइज मैं तुम लोग को जो है ना जेल में डाल के तुम्हें मैं मार ही दूंगा ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए आई डोंट केयर whether you are children of ministers और ये वो आई डोंट केयर अच्छा वो फिर अब जो है आपस में दोस्त बैठते हैं कुछ दोस्त होते हैं कहते हैं हा उलई कौमुना इततखधु मिन दूनीही आलिहा ये देखो तो हमारी कौम है हमारी सोसाइटी वाले हैं इनको क्या हो गया इन्होंने देखो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को माबूद बनाया हुआ है ये कर क्या रहे हैं अब आप मुझे बताएं देखें हम क्या कहते हैं यार अच्छा पड़ोस में जो भी हो रहा है जो भी कोई कर रहा है तुम्हें क्या तकलीफ है यार तुम अपने काम से काम रखो हमारा यू नो दिस इज़ आर एटीट्यूड उनको करने दो तुम्हें क्या हो रहा है यार वो लेट देम डू इट देमसेल्फ अब ये भी अगर उस माइंड के होते इनकी भी अच्छी खासी लाइफ गुजरी थी मिनिस्टर्स के बच्चे हैं जो चाहिए बस अब्बा जी को कॉल करनी है अबा जी को बुलाना है यार मुझे ये ये पैसे चाहिए इनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां भी होंगी अवेलेबल अच्छा खाना भी होगा पहनना कपड़े वगैरह जो भी है वट एवर दे वुड हैु हैव यू नो इट ऑलरेडी लेकिन फिर भी देखें इनको फिक्र है इनको फिक्र है सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है अपने मुआरे की भी फिक्र है सोसाइटी की भी फिक्र है This is how the youth should be. This is the main purpose of the youth. हमने दूसरों को क्या गाइड करना है? हम खुद भटके हुए हैं हम खुद ही जो है रास्ते से हटे हुए हैं उला ये कौमोना ये हमारी कौम वालों को देखो तो सही ये कर क्या रहे हैं इनको इनके पास अकल नहीं है क्या ये देखते नहीं है कि ये बुध कुछ भी नहीं कर सकते लउला या तू ना अल बिसान भैन ये क्यों नहीं ऐसी कोई ऐसा कोई खुला एविडेंस लेके आते कि जिसे हम भी जो है इंस्पायर हो कि वाकई यार ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं तो कि हम भी इनको फॉलो करें कोई अच्छा दीन लेके आओ तो सही इस्लाम से बेहतर कोई यानी कोई वे ऑफ लाइफ लेके आओ आज हम सारे जो हैं आजमा चुके हैं देख लिया क्रिश्चियनिटी देख ली जूडाइज्म देख लिया वगैरह वगैरह इंसान जो है ना अभी ह्यूमैनिटी टकरें मार रही हैं उनको पता है इस्लाम हैज इल्यूशन लेकिन वो जानबूझ के उसके ऊपर नहीं आ रहे बोलते हैं अगर हम आ गए ना तो हमारी छुट्टी हो जाएगी हमने जो दुकानें सजाई हुई है ना अपनी उनसे हमारा फिर खत्म हो जाएगा हालांकि इस्लाम अल्लाह ताला का बताया हुआ दीन है इट हैज सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम एंड आई एम टेलिंग यू विद द कॉन्फिडेंस क्योंकि ये अल्लाह तला का बनाया हुआ दीन है इट्स नॉट अ मैन मेड रिलीजन अल्लाह तला की हर चीज परफेक्ट है इन तो तो परफेक्ट हो सकता है अल्लाह तरमातेमल तोलतीकम इस्लाम दीना हजरतल के मौके पर यह आयात नाजिल हो रही है अलियोम अकमल तोल दीन अकम आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन परफेक्ट कर दिया अकमल तोल दीन अकुम तो आलई और मैंने तमाम कर दिए यानी मुकम्मल कर दी है अपनी नमत तुम्हारी तरफ यानी की तरफ से नमत है ब्लैसिंग है खुदा की कसम ब्लैसिंग है ये तुम चल के देखो तो सही इस रास्ते के ऊपर इट इज एज के मैं आपको जो है बताता रहूं कि यार ये दिन बहुत जबरदस्त है आप सुनते रहे जब तक आप चलेंगे नहीं यू विल नॉट फील इट यू विल नॉट फील द डिफरेंस वल्ला ही मैं आपको बता रहा हूं चल के देखो तो सही और यह मत समझिएगा कि यार दीन में आने से जो है हम हम कैद हो जाएंगे आप ऑलरेडी कैद में हैं ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल यार मैंने अपना नया हेयर स्टाइल कर दिया है आपको पता है वो हेयर स्टाइल मैंने जो नया बनाया होगा ना वो कोई ना कोई बैक ऑफ माई माइंड मैंने या तो कोई टी में देखा होगा या मैंने अपने दोस्तों को देखा होगा या या मैंने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा मैंने उसको देख के वो स्टाइल को अपनाया है इसका क्या मतलब है आपने किसी को देखा है किसी को फॉलो किया है इसी तरह जो आपके कपड़े हैं ना जो द वे यू ड्रेस आप किसी ना किसी को सब कॉन्शियसली देख रहे होते हैं और फिर आप वो वही कपड़े पहनते हैं द वे यू टॉक एनी थिंग एंड एवरी यू डू एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप अगर मिसाल के तौर पर यारी मेरा मेरा ये खाने को दिल कर रहा है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिल कर रहा है ना मैं वो खा लेता हूँ अब मेरा दिल मुझे बहुत सारी चीज़ें कहता है जो कि ठीक नहीं होती हमारे इस्लाम में मना किया गया है लेकिन अब अपने दिल की मानते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी फ्री विल थी नहीं आपने अपने नफ्स की मानी है आप अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं फरमाते हैं क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को ना अपने ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया है अपना इलाह बना लिया है आप सब कॉन्शियसली किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होते हैं एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं आप आजाद नहीं हैं इस्लाम हमें ये जो है व्यू देता है तुम इन सब को छोड़ो एक अल्लाह पे व वा जो वाहिद है कहार है उसको फॉलो करो उसको फॉलो करोगे तो ये जो सारी दुनिया ने तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएगी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रदर्स दीन आपको कैद में करने के लिए नहीं आया हुआ फो गौद सेक ये जो है अपने माइंड से निकाल दें कि नहीं यार अगर हम दीन में आ जाएंगे तो हमारी अयाशियां खत्म हो जाएंगी वल्ला ही नहीं होंगी अगर मेरी अयाशिया खत्म होती ना मैं दीन में ना आता सिंपल एज दैट और सुबहान अला दु फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी रिसाइट किए हैं फॉर एग्जाम्पल तिलावत की है आई यूस टू बी ए रैपर आई टू सिंग सॉन्ग्स मैं आपको बताऊं अलहमद ने मुझे इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दिया नाउ आई डोंट हैव टू सिंग एनी मोर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो दीन दी, आप देखिए दीन में लजत जो है आपको मिलेगी अच्छा जी देन विल कंटिन्यू फिर वो कहते हैं कि अब देखें आपस में बैठे हैं सोसाइटी की बेटरमेंट की बात कर रहे हैं ऐसा ही है ना जब हम यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं हमारी क्या गपशप होती है मुझे बताएं आप वो आप भरे मजमे में बात भी नहीं कर सकते गाली गलोच हो रही होती है और द मोर पर्सन सुजा मतलब मैन ही इज आउट लॉ ये ये है मर्द का बच्चा एक एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन गालियां चल रही होती हैं इट इज आज एफ आई मैन नो प्रॉब्लम ब्रो कोई मसला ही नहीं है ठीक है अपोजिट जेंडर की बात चल रही होगी कॉलेज में क्या हो रहा है किसका चक्कर चल रहा है मेरी किस पे जो है वो नजर चल रही है वो सारी चीजें उधर ही सारा प्लान हो रहा होता है कल क्या ड्रेसिंग करके जानी है किसको जो है अट्रैक्ट करना है क्या है क्या नहीं सारी माशाल्लाह फुल प्लानिंग अच्छा इस तरफ हमारी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह फुल प्लान माशाल्लाह फुल प्लान अच्छा। हाँ और वो भी माशाल्लाह वो वो तो आगे माशाल्लाह पचास पचास साल की अच्छा यार शादी में मैं ऐसा जोड़ा पहनूंगा और ये है और वो है सुबहानल्ला अरे यार यहां तो बच्चों के नाम भी डिसाइड <laughs> अल्लाह अकबर शुक्र है पोते पोते के नाम नहीं रख लिए राइट सो दिस इज आर सिचुएशन जब हम बैठते हैं हमारी गैदरिंग्स क्या होते हैं सुबहान लुक एट दिस यंगस्टर्स अब आप मुझे बताएं क्या ये अंबिया में से हैं क्या सहाबा इक्राम में से हैं या मुझे बताएं इनको अल्लाह अकबर इन दे आर ऑल अलोन इन द सोसाइटी इनको कौन सपोर्ट करने वाला है मुझे बताएं आप कोई बुजुर्ग या कोई 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 आलिम स्कॉलर वगैरह नहीं नहीं अल्लाह दे थॉट उनको लगा कि यार ये चीज सही नहीं है हमें रेक्टिफाई करना है इसको ये बच्चे नहीं बने रहे कि नहीं यार ये हमारा काम नहीं है मौलवियों का काम है ये उसका काम है उसका काम है यू नो ईजी वे आउट मैंने तो मेरा काम है इंजॉय करना हाँ मैं तब बोलूंगा जब मुझे पूरा मैं हाफिजुल कुरान बन जाऊंगा मुहदस बन जाऊँगा मेरे पास सारा नॉलेज जा आ जाएगा तब मैं खोलूंगा नहीं ऐसे नहीं होता अगर ऐसी बात है तो फिर आप डेफ़िनेटली फिर आप कुछ नहीं कह सकेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बल वतन मेरी तरफ़ से पहुंचा दो चाहे वो देखें अब ये कॉमन नाउन यूज़ किया है चाहे वो कोई भी आयत क्यों ना हो तुम्हें कम अज़ कम ये तो पता ना ला इलाहा इल्लल्लाह यह तो पता ना कि नमाज फर्ज है लेकिन प्रॉब्लम यह ना हम पढ़ते हैं हम किसी को कैसे कहेंगे ना हम इस किताब को खोलते हैं ना कुरान को खोलते हैं हम किस को यानी किसी को कैसे दावत देंगे देर इज द मेन प्रॉब्लम अच्छा जी फिर आ, डिसाइड यह करते हैं कि देखो हालात खराब लग रहे हैं डेफिनेटली अगर हमने अब मुंह तो खोल दिया है सबके सामने आप अल्लाह देखें करज देखें इस्लाम में ये चीज़ अलाव है कि आप अपने ईमान बचाने के लिए ना आप कुफ्रिया कलिमात भी कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ पर्सन इज़ होल्डिंग अ गन और आपके ऊपर जो है उसने गन रखी हुई है कहता है कि यार तुम कुफ्रिया कलिमात कहो अगर आपके दिल में वो नहीं है लेकिन आप वो यू नो इफ़ यू आर अटरिंग द सेम वर्ड्स आपको गुनाह नहीं होगा उसका क्योंकि आपने अपनी जान बचाई है ठीक है जान बचाने के लिए मुसलमान कर सकता है जान बचाने के लिए मुस्लिम कैन ईट स्वाइन एज वेल अपने आप को बचाने के लिए आप ऐसी जगह में है जहां परूड you know, no आप जंगल में हैं कोई हलाल फूड नहीं है आपने अपनी जान बचानी है तो आप हराम चीज भी खा सकते हैं जस्ट टू सर्वाइव ये नहीं कि आप पूरा पेट भर के पूरा वो करके नहीं जस्ट टू सर्वाइव यानी देर इज अ वे आउट आप मुझे बताएं कि इन लड़कों के लिए वे आउट नहीं था अगर ये अपना ईमान छुपा के रखते अयाशी भी करते रहते छुप छुप के नमाज पढ़ते और यह कि दीन भी रखते दुनिया भी रखते जो हमारा कॉन्सेप्ट है दीन दुनिया दोनों को लेके चलो हम समझ हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे क्या इनके पास ये ऑप्शन नहीं थी फिर कहते क्या है? कहते हैं नहीं यार हमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हमारा ईमान है हमारे पास सब कुछ हो हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है माल है हर चीज है अब जाहिर बात है इनको रिश्तों की भी कमी नहीं होगी अच्छे खानदान के लड़के हैं जिस पे जो है वो अपने माँ बाप को कहेंगे ठीक है शादी हो जाएगी यू नो देड एवरी थिंग इन इन यू नो इन विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड वर्ल्डी अफेयर्स सब कुछ इनके पास अवेलेबल है लेकिन कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है ना वो ईमान है वो ला है इनको कदर पता थी कि ला ला इला का मतलब क्या होता है कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना तो आप एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं एक कोविनेंट में आप आ जाते हैं आपने वादा कर लिया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मैं अपने हर मामले में आपको सबसे पहले रखूंगा दिस इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अच्छा जी फिर कहते हैं वाइज़ा वाइज़ा तज़ल तुमुहुम वमा याबुदुना इल्लल्लाह फ़ाउ इल्लल कहफ़ अच्छा जब तुम इससे हट जाओ ना प्लानिंग चल रही है कि अब देखो अब हमारा बचना तो मुश्किल लग रहा है अब हमें अपना ये घर बार ये अयाशियाँ छोड़नी पड़ेगी बॉयज़ वी हैव टू लीव दिस सिटी हमें अपने कॉम वालों को छोड़ना है करते ही हैं कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं एक गार है ग़ार में जाके छुप जाते हैं और फिर कहते हैं ग़ार में चले जाएंगे कहफ कहते हैं ग़ार को लकुम रब्बुकुम महमति रहमतिही व यू लकुम मिन अमरकुम मरफ़ा अल्लाह ताला अपनी रहमत से ना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे फिर जब ग़ार में जाते हैं फिर दोबारा दुआ करते हैं ईद अवलफ़ इकह फ़क़ाल रबाना आती मिल्ल का من वैना मिन अम्रीनाशदा या अपनी तरफ से रहम करें हमारे ऊपर यू नो जस्ट बिस्टो योर ब्लैसिंग यू नो ब्लेसिंग्स ऑनस और हमारे मामला में आसानी करें आप हमारा काम है हरकत करना हमारा काम है मेहनत करना रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में है। हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपनी एफर्ट करते जा रहे हैं हम अपनी हंड्रेड परसेंट एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन जो हमने प्लानिंग की हुई है कि हमें ये ये रिजल्ट्स चाहिए इफ वी आर नॉट गेटिंग यू नो दो रिजल्ट इट डज नॉट मीन कि जी हम फेलियर हैं अल्लाह तला ने बरकत डालनी है अल्लाह हमसे सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कोशिश करें और कितने ही जबरदस्त अंदाज देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आप जो सूर फातहा में जो दुआ करते हैं वॉट इज दैट दुआ एह देना सरातर मुस्तकिन ठीक है ओ अल्लाह गाइडस टू तो द स्ट्रेट पाथ राइट अब आप मुझे बता, बताएं थोड़ा सा जरा सोचें आप जो रास्ता होता है ना देट इज नॉट अ डेस्टिनेशन राइट डेस्टिनेशन तो रास्ते के बाद बाद होती है ऐसा है कि नहीं लेकिन आप अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे। कितना जबरदस्त अंदाज है यार अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उस रास्ते पे चलते रहो चलते रहो रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में है आपको पता है कभी कभार बंदा ये भी डिप्रेस हो जाता है फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी आपका दोस्त है बड़ा अच्छा तिलावत भी बड़ी अच्छी करता है कुरान का हाफिज भी है एंड सम टाइम यू फील कि यार ये तो जन्नत के पता नहीं कौन से लेवल पर होगा मेरा मुझे तो एक तरीके से मुझे तो तिलावत नहीं करने आती मेरे तो हालात ही बड़े यानी बड़े बुरे हैं अल्लाह ताला हर बंदे को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं आपके पास जितनी इस्तात है जितनी पावर है उस हिसाब से आपको जज किया जाएगा अगर अल्लाह ताला ने किसी को अच्छी मेमोरी दी है उसको उस हिसाब से टेस्ट किया जाएगा ये मतलब है यह देना सरातलमस्तकीम हमारा काम बनता है बस उस रास्ते पर चलते रहें चलते रहें अपनी पावर के मुताबिक जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हो सकता है उसमें कई लोग भाग के जा रहे होंगे अल्लाह ताला ने उसको उन लोगों को उस हिसाब से अथॉरिटी दी है उतनी उनके पास पावर है लेकिन आपका से एक बंदे का माइंडसेट इतना ब्रॉड you know, नहीं है इतनी मेमोरी शार्प नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा सो देर इज नथिंग टू बी डिप्रेस्ड ऑफ तो यहां पे जो है उन्होंने दुआ की और अल्लाह तला ने उनको सुला दिया एंड दे स्लेप्ट फॉर ओवर थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड नाइन ईयर्स तीन सौ या तीन सौ नौ साल तक वो सोते रहे इट वॉज़ अ मेरिकल फ्राम अल्लाह सुबहाना ताली और अल्लाह ते वाल शमसा इज़ा कल एत तज़ा वन कैफ़म ज़्यात यमीन व इज़ा गौरब तकम ज़्यात शमैल वाहम फी फ़मिन तो होता ये था कि कुछ कंडीशन ऐसी थी उस गार की कि यू नो वन दन यूज़ टू राइज़ रोशनी आती थी अंदर गार में लेकिन उन पर डायरेक्ट सन लाइट नहीं पड़ती थी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी और वो पूरा चलते 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 जब सनसेट होता था ना तब भी रोशनी पड़ती थी लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी अल्लाह इट मीन्स कि अगर एक बंदे उपर, के ऊपर आप इमेजिन करें कि 10-12 घंटे डेली की सनलाइट पड़ी पड़ रही है ना द स्किन विल बर्न और प्रो, यानी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो अल्लाह ताला ने इनको इनको सोते हुए भी प्रोटेक्ट किया देर ओन इवन नो अबाउट इट एंड दे आर बींग प्रोटेक्टेड फ्राम अल्लाह सुबहन वाली इमेजन कर सकते हैं आप? आप कहते हैं कि जी यानी हमें फ़िक्र होती है अपने जो है ना अपनी फ़िक्र होती है कि यार क्या बनेगा हमारा अल्लाह ताली पे भरोसा रखेंगे ना अल्लाह तला पे तवक्ल करेंगे अल्लाह सुबहान ताली विल प्रोटेक्ट यू यू नो यू इवन नॉट बिंग नोइंगट आपको पता भी नहीं होगा और अल्लाह तौला को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे अल्लाह ताला के काम बड़े यू नो अजीब होते हैं अब जब मैं अजीब कह रहा हूँ ना मैं उर्दू का अजीब यूज़ नहीं कर रहा हूँ अरबिक में उर्दू में अजीब का मतलब थोड़ा सा ना नेगेटिविटी में आता है इन एरबिक अजीब मीन्स अमेजिंग चलो ये वकेबलरी में आपका इन वो जो है ऐड हो गया जब कोई बंदा ना अजीब इन इट मीन्स अमेजिंग जी आजा अमेजिंग अमेजिंग जी बिल्कुल माशाल्लाह हाँ देखें इसी तरह आपको जो मैं लफ्ज़ बता रहा हूँ ना विकैबलरी आप कुरान मजीद कुरान मजीद में से ढूंढने की कोशिश करें इन आपको बहुत सारी विकैबलरी मिलेगी अच्छा जी फिर क्या होता है जी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मिन ये अल्लाह तला की निशानियों में से एक निशानी थी मईदिल्लाफा तजी मुर्शिदा अब आप मुझे बताएं अल्लाह फरमा रहे हैं ये अल्लाह तल की अल्लाह तल के मिरेकल्स में से एक मिरेकल था हालांकि ये बंदे ना कोई हमने अभी देखा नबी हैं ना रसूल हैं लेकिन अल्लाह व तआला इनको इनको भी अपनी निशानियां दिखा रहे हैं यू नो माय ब्रदर्स आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस क्लियर टू यू वल्ला ही आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ और मैं आपको वाक्यतन बता रहा हूँ लेकिन वो आपके मुताबिक नहीं होंगे कि आप बोलेंगे जी नहीं मुझे अभी ये चीज़ चाहिए अपने लॉजिक के हिसाब से नहीं अल्लाह ताला का अपना तरीका है जो है काम करने का गालिबुन अला अमरी अल्लाह ताला गालिब है अपने कामों पर उनको आपकी सजेशन की आपकी जो है मशवरे की ज़रूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू ओबे टू हिम और आप देखिएगा यू सी दम मेरे कजन इनशाला इन यूर लाइफ आपके फंसे हुए काम भी इतनी आसानी से हो रहे होंगे आप बोलेंगे सुबहानल्ला मेरे तो वहमो गुमान भी, भी नहीं था कि मेरा ये काम हो जाता लेकिन देखें ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है आपका कोई काम है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो नहीं मान रहा let's से आपने एक माशाला सिस्टर से शादी करनी है शादी से पहले तो सिस्टर ही होंगी ठीक है तो ठीक है सिस्टर इन इस्लाम ठीक है हाँ जी तो अब्बा जी नहीं मान रहे और माशाल्लाह शी इज़ पायस यू नो निकाब भी करती हैं जी प्रैक्टिसिंग भी है माशाल्लाह शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल लेकिन अब्बा जी नहीं मान रहे अब्बा जी का दिल भी तो अल्लाह ताला के हाथों में है ना अल्लाह ताला चाहेंगे तो अब्बा जी मान जाएंगे तो अल्लाह ताला को मना लें पहले प्लीज़ ठीक है तो अल्लाह ताला को मना लेंगे आपकी सारी इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी ठीक है नेक की बात हो रही है राइट अच्छा जी एंड देन अल्लाह ते हमें वो बता रहे हैं कि उन लड़कों की प्रोटेक्शन के लिए एक जो है यू नो दे वॉज अ डॉग विच वॉज आउटसाइड द केव और वो ऐसे इस पोजीशन से बैठा हुआ था कि कोई भी जो फॉर एग्जांपल रास्ते से गुजरता था ना तो वो डर जाता था एज एफ कि यार ये बड़ा खतरनाक कुत्ता है अगर अगर हमने अंदर जाने की कोशिश भी की ना तो ये हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा तो लोग दूर से ही देख के ना भाग जाते थे और लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता था आया ये जो है वेदर दिस डॉग इज़ अलाइव और नॉट ठीक है तो वो दूर से अल्लाह तला के ये भी मेरिकल में से एक मेरिकल था अच्छा जी तीन सौ साल हो गए हैं ये लड़के उठते हैं अब अल्लाह ताला इनको दोबारा जो है नींद से उठाते हैं और आ, वक़ाल का बासना हम लिये तसाअलूबैना हम आपस में ये पूछते हैं फिर क़ला कामिन हम कम लबिस्तुम आप ये उठे हैं कहते हैं कि यार कितना हम सोएँ अब ये अंगड़ाई ले रहे हैं और यू नो एज ए पूछ रहे हैं क्या यार यार कितना हम सोए थे बताओ किसी को तुम्हें पता है अच्छा घड़ी तो नहीं होती होगी डेफ़ीटली उस टाइम अच्छा एक उनमें से कहता कौल लबिस्ना यौमन उबाब यूम उनमें से ये कहता है कि यार हो सकता है हम एक दिन सोए हैं काफ़ी थकावट थी या दिन का भी कुछ हिस्सा सोए हैं हम कॉलु रबार बिमा उनमें से एक कहता है कि ज्यादा बातें मत करो तुम्हारा रब बेहतर जानता है कितना तुम हो। अच्छा इनशाला विद दिस आपको मैंने ये कुछ उनकी बातें बताई हैं ना आप देखें इन लड़कों की गपशप चल रही है ना यार कितना सोयो तुम यार मैं मुझे लग रहा है एक दिन सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं खुदा की कसम यू नो इट्स सो माइंड ब्लोइंग आपको पता है ये अल्लाह की किताब है ना दीज आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह एक एक लफ्ज कितना कीमती है एक एक लफ्ज कितना कीमती है अल्लाह सुबहाना वाल हमें यह बताना चाह रहे हैं ए नौजवानों इफ यू सबमिट टू मी अब उनकी जो नॉर्मल गपशप भी है ना अल्लाह ने अपनी किताब में हमेशा के लिए महफूज कर दिया कोई कारी उसका कुरान खत्म हो ही नहीं सकता जब तक वो उनकी गपशप नहीं सुनेगा पढ़ नहीं लेगा लेगाट ये सो अमेजिंग माशा हालांकि एक मिसाल है ये ना डलता ये ये सेंटेंसेस ना डलते क्या था अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला ठीक है आप इस्लाम पे चलते हैं ठीक है इट डजेंट यू नो स्टिफन यू आप आपको सख्त नहीं कर देता इस्लाम इस्लाम आपको कोई और ही कोई मखलूक नहीं बना देता तो सुबहान अल्लाह आप देखें बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उल्मा हैं वो पढ़ते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं वो इस पे बुक्स लिखते हैं किसकी इन नौजवानों की गपशप के ऊपर सुबहान अल्लाह मैं आपको बताऊं बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग हम लोग को ना शैतान ने इस इस जो है ना धोखे में डालकर रखा हुआ कि यार तुम अभी छोटे हो यू आर यंग इनफ नहीं तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी मत डालो यार ठीक है इंजॉय करो तुम इंजॉय का वो झांसा दे के ना हमें हमें बस गाफिल करके रखा हुआ है आप सुबह लुक एट दिस पीपल यार तो इनशाला बिल जस्ट वन अल्लाह ताला हमें समझने की तोफीक़ था फर्मा इन थोड़ा सा रह गया इन नेक्स्ट टाइम इनशा इसको हम वाइंड करेंगे सुबह वहमदे का शद्ला तस्त फिर उबारकल फ़ीकुम